स्टार्ट। सो हम लोगों ने पढ़ा है एक शेप, इसको कि हम बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्सेस बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्सेस है, दिस इज़ पॉजिटिव एक्सेस, दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हम ये मान रहे हैं कि कोई एक त्रिभुज है जो कि थ्री पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। ये पॉइंट्स हमारे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री है। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसके एरिया का एक फार्मूला जो है आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा, हाफ ऑफ द एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, सॉरी यहाँ पर जो है वाई टू माइनस वाई थ्री, इट्स अ साइक्लिक ऑर्डर में चलता है फार्मूला, एंड एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। सो द फॉर्मूला पैटर्न इज लाइक वेरी सिंपल टू रिमेंबर, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री वन टू। तो एक साइक्लिक ऑर्डर है, चक्रीय व्यंजक के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा जाता है। हम लोगों ने बहुत ही ज्योमेट्री में एक और फॉर्मूला पढ़ा है जो कि ट्रायंगल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, विच इज़ हाफ बेस इनटू हाइट। एक फॉर्मूला हमें ट्रायंगल का क्षेत्रफल का हमने ये भी पढ़ा है ज्योमेट्री में कि बेस और हाइट अगर हम कैलकुलेट कर लें और हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये कोऑर्डिनेट जो हैं, जो एक्स वन और ये जो तीन कोऑर्डिनेट से जो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हमारे जो हैं कोऑर्डिनेट्स टू कॉमा टू, एक्स टू कॉमा वाई टू जो है ये हमारा है फोर कॉमा सिक्स, एंड एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री जो है ये हमारा है सिक्स कॉमा टू। हमने ये आर्बिट्री पॉइंट्स मान लिए हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मान लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। और जो है अब हम इसको ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स को, और हम देखते हैं कि ये जो है एक्सिस में कहाँ पर है। मान लिया कि ये टू है, ये टू है, तो ये पहला पॉइंट हमारा ये टू कॉमा टू, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने माना है कि फोर कॉमा सिक्स है, मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये फोर कॉमा सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है हमारा ये सिक्स कॉमा टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिक्स कॉमा टू हो गया, ये टू कॉमा टू है ये ऑलरेडी, और ये है आपका फोर कॉमा सिक्स। तो इसमें हमें जो है एक सिंपल सा जो फार्मूला हमारा ज्योमेट्री का है जिससे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, वन बाई टू बेस, बेस इज लाइक द लेंथ ऑफ दिस दिस साइड, सो दिस साइड इज लाइक सिक्स माइनस टू इज फोर, एंड द हाइट इज बेसिकली दिस द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, सो दिस इज ऑल्सो फोर। सो दिस कम्स आउट टू बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज कम्स आउट टू बी सिक्सटीन बाई टू, इट्स एट, whatever is the unit, so we need to write because this is area, unit square. So very interestingly, if we solve, अगर हम इसको हल करते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, और हम ये कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरीके से हैं, तो इसका हम देखते हैं कि इसका एरिया क्या आता है। तो हमने देखा, हमने इसमें वैल्यूज रखी, एक्स वन, एक्स वन क्या है टू है, y2 क्या है y2 है 6, y3 क्या है 2 है, x2 4 है,
एक्स टू, अब हमें एक्स टू क्या रखना है, वाई थ्री टू माइनस वाई वन इज टू प्लस एक्स थ्री सिक्स एंड वॉट इज वाई वन इज टू एंड वाई टू इज सिक्स. सो चलिए सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे फोर होगा, ये फोर टू ज़ा एट हो गया. दिस टर्म इज लाइक ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई फोर इज ज़ीरो. हेयर वॉट वी हैव, दिस इज माइनस फोर आफ्टर सब्ट्रैक्शन, देन फोर एंड सिक्स मल्टीप्लाई टुगेदर, सो इट्स विल बिकम माइनस इट, सो इट विल हैव अ माइनस ट्वेंटी फोर. सो इट विल हैव अ माइनस ट्वेंटी फोर. सो वॉट कम्स, इट्स कम्स आउट टू बी माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू, विच इज कम्स आउट टू बी माइनस एट यूनिट स्क्वायर. हमने देखा होगा कि हम जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी हमारा चिन्ह जो है निगेटिव आ जाता है, और हम ये मान लेते हैं कि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, और हम इसको मान के इसको पॉजिटिव एट लिख देते हैं अपने आंसर से. इसको समझने के लिए हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि आखिर ये माइनस सी कहाँ से आता है और इसका क्या ओरिजिन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को जो कि हमारे पहले वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम फ्लिप कर देते हैं ऐसे, इसको यहाँ मान लेते हैं, जस्ट फ्लिप कर देते हैं. तो इस तरीके से अगर हम ये मान लें कि एक्स वन वन वाई वन जो है आपका टू कामा टू है, एक्स टू वाई टू अगर हमने इनको फ्लिप कर दिया है, एक दूसरे से बदल दिया है, अदला बदली कर दी है, तो ये हो गया एक्स थ्री वाई थ्री, इसको हमने अदला बदली कर दी है, तो ये हमारा फोर कॉमा सिक्स हो गया. ठीक है जी, अब हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं अपना, वन बाई टू. फॉर्मूला क्या था अपना, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री. तो एक्स वन क्या है, टू वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू इज सिक्स, वाई थ्री माइनस वाई वन एंड एक्स थ्री इज फोर एंड वाई वन माइनस वाई टू. अगर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा और, तो हम ये देखते हैं कि ये माइनस फोर और ये हो गया माइनस एट, प्लस यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो है आपका सिक्स और यहाँ पे बचा फोर, तो ये सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर और ये जो टर्म है ये आपका ज़ीरो. अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये माइनस एट और प्लस ट्वेंटी फोर है, ये कम्स आउट टू बी हो जाता है आपका सिक्सटीन बटे दो और ये एट. हमने ये देखा कि हमने इसी फॉर्मूले को बस हमने फ्लिप कर दिए अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को थोड़ा सा, तो ये कभी ये पॉजिटिव आंसर देता है और कभी नेगेटिव आंसर देता है. तो ऐसा क्या होता है जिससे कि ये जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर देता है इस फॉर्मूले से, इसको समझने के लिए इसको एक बार फिर से हम यहाँ देखते हैं, गौर से देखते हैं, और हम इसको दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है और किस वजह से ऐसा होता है कि ट्रायंगल जो है आपको कभी नेगेटिव वैल्यू देता है और कभी क्षेत्रफल की वैल्यू आपको पॉजिटिव देता है. तो हमारा पहला पॉइंट टू कमा टू था पहले सवाल में, और दूसरा पॉइंट हमारा फोर कॉमा सिक्स था, और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर था पहले सवाल में सिक्स और दो था, तो ये सिक्स कॉमा टू था. तो हमारा जो है त्रिभुज इस तरीके से बन रहा था. तो इसमें जब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने इसको पहला माना था, इस पॉइंट को दूसरा पॉइंट माना था, इस पॉइंट को तीसरा माना था. तो इसमें देखने वाली वस्तु ये है
कि जब हमने इस तरीके से इनको माना था, जब हम इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, जो कि है एक क्लॉक वाइज तरीका है, जैसे कि एक घड़ी घूमती है, तब हमारा जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा था। हालांकि जब दूसरे केस में हमने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, तो हमने पहले पॉइंट को इसको माना था, दूसरा पॉइंट इसको माना था, और तीसरा पॉइंट इस बिंदु को माना था। तो इस केस में हमने क्या किया था कि हम इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे और इस डायरेक्शन में जा रहे थे। तो जब हम त्रिभुज में, जब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो किस पॉइंट को हम, किस कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं, और उससे हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, उससे हमारा ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का साइन डिसाइड होता है। तो दूसरे केस में जब हमने माना था, तब ये त्रिभुज का जो है पॉजिटिव आंसर आया था क्षेत्रफल का, जिसमें कि हमने देखा था कि जो पहला पॉइंट था वो हमने 2.2 माना था, दूसरा पॉइंट हमने 6.2 माना था, और तीसरा पॉइंट हमने 4.6 माना था। हाँ, तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि जब हम जो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले में, और वो किस तरीके से अपना रोटेशन नेचर बता रहा है, उससे हमारे जो त्रिभुज का जो साइन आता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है कि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम इस नेगेटिव को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने ये भी देख लिया कि ये किस वजह से होता है, लेकिन एक बात समझने वाली है कि जब हम कोई चीज़ कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा हम लोग बोलते हैं सीधी, और काउंटर क्लॉकवाइज जो कि उल्टी। तो क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। इसको समझने के लिए हम आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के और बेसिक पे ले जाएंगे और आपको ये समझाएंगे कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के पीछे एक्चुअल में क्या वजह है। चलिए आगे चलते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझाने के लिए हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, जिसमें कि हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसकी कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे कि ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। तो जनरली कोई भी फंक्शन को हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में लिखते हैं, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एक्स होगा, ऐसे ये वाई है ये नेगेटिव वाई होगा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इन द डोमेन। सो इसमें क्या होता है कि इस एक्सिस में हमें ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पहले हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू की एक्सिस की साइन लेते हैं और फिर डिपेंडेंट का लेते हैं। तो प्लस प्लस ये एक्स का साइन है और ये वाई का साइन है। हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन पहले लिखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइन क्या है, माइनस एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का साइन प्लस है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस और माइनस, और यहाँ पर प्लस और माइनस। इस तरीके से हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है। इसमें हम बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम फर्स्ट से 2 जाते हैं, 2 से 3 जाते हैं, 3 से 4 जाते हैं, तो वी आर बेसिकली मूविंग अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हम फॉलो करते हैं, ये एक
बेसिकली लेफ्ट हैंड जो है रोटेशन या लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन को प्रदर्शित करता है, जबकि हम एक्स और वाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चूँकि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो एनीथिंग विच इज़ फॉलोइंग दिस पैटर्न, तो वो भाई उसके जैसा है तो वो पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब हम एक काउंटर क्लॉकवाइज मोशन, जो कि यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है, तो हमें एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है। जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हमें जो है एक नेगेटिव साइन यहाँ पर देता है। इसको समझने के लिए हम आपको इसको थोड़ा और तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करके दोबारा से लिख दिया, जैसे कि हम एक्स को वाई और वाई को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमने त्रिभुज का फॉर्मूला दोबारा लिख दिया। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने एक्स लिखा था तो अपने वाई में लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स थ्री वाई टू। सिमिलरली जैसे हम पहले फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे वैसे ही, बस हमने एक्स और वाई साइक्लिक नेचर को चेंज कर दिया और फॉर्मूले को हमने इसमें दोबारा लिख दिया। तो वाई टू के साथ क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स थ्री सॉरी टू थ्री वन लाइक दिस। वाई थ्री फिर क्या होगा, थ्री वन टू, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे कि हमें एक नेगेटिव क्षेत्रफल मिल रहा था, नेगेटिव क्षेत्रफल हमें मिल रहा था इन कोऑर्डिनेट से, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट जिसमें हमें नेगेटिव क्षेत्रफल मिल रहा था 2, 2, चूँकि इस तरीके से केंद्रित थे, ये था 2, 2, फिर हम अगर ऐसे ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तभी हमें पिछले वाले सिस्टम में जब हम ये क्लॉक वाइज घूम रहे तब नेगेटिव मिल रहा था, तो ये 2, 2 है और ये हमारा है, ये है 6, 2 और ये हमारा था ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या था, यहाँ पर हमने जो लिया था ये 4, 6, ये रहा 4, 6। हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे कि हमने पहले माना था वैसे ही मूव करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 वाई वन, तो ये हमारा एक्स वन है और ये हमारा वाई वन है, ये हमारा एक्स टू है, हमारा वाई टू है, ये हमारा एक्स थ्री है, हमारा वाई थ्री है। तो अप्लाई करते हैं वाई वन इट्स टू। अब हम करेंगे वाई वन इज टू एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, सो 4 - 6, 4 - 6 प्लस वाई टू, वाई टू इज 6, वॉट इज वाई थ्री सॉरी एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री, एक्स थ्री इज 6, एक्स वन इज 2 प्लस नाउ वाई थ्री, वाई थ्री इज 2। अब हमें करना एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन इज 2 एंड एक्स टू इज 4। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, व्हाट कम्स आउट टू बी, व्हाट कम्स आउट टू बी हियर 2, यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 4, माइनस 2 आएगा प्लस इज 6, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2
में मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आया माइनस फोर, यहाँ पे प्लस आया 24, यहाँ पे फिर से आया हमारे पास माइनस फोर, और ये जो है आपके पास आ गया माइनस एट प्लस 24 विच इज़ इक्वल्स टू, ये एक 16/2 विच इज़ 8 यूनिट स्क्वायर। हमने वही कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए, वही पैटर्न यूज़ किया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही मूव किया, लेकिन इस बार हमारा आंसर एक पॉजिटिव नंबर ही आया। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स हमारे किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं उसके रोटेशन से हम इस साइन को डिसाइड करते हैं। अगर हमारा जो मोशन है कोऑर्डिनेट्स में वो उसको अपोज करेगा तो हमारा साइन नेगेटिव होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि जब हम वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के जब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं। अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका लिख दिया, ठीक है जी। अब हमें ये पता है, हमने आपको बताया था कि हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं तो पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल पहले लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का साइन। तो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, अब तो इसका साइन पहले लिखा इस, और एक्स का साइन प्लस प्लस लिखा, ठीक है। इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में चूँकि इस साइड में है तो इसमें ये प्लस वाई का साइन पहले और एक्स का साइन बाद में, इस वाले में पहले वाई का साइन फिर एक्स का साइन, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले वाई का साइन और एक्स का साइन, ये हो गया। अब हमें ये पता है कि पहला क्वाड्रेंट जो होता है, सॉरी जो पहला क्वाड्रेंट हमारा होता है वो प्लस प्लस जो होता है वो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, माइनस प्लस हमारा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, माइनस माइनस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और प्लस माइनस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रॉब्लम, हमने क्या किया, हम क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया। यहीं पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि हम पहले यूज़ कर रहे थे जिसमें कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस तरीके से जब हमने कोई चीज़ डेवलप की या कोई फार्मूला डेवलप किया यहाँ पर तो उसका ओरिजिनल रोटेशन जो था वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपोजिट कोई मोशन करेंगे तो आपको वो नेगेटिव साइन दिखेगा। आप इसको इस तरीके से समझें, अभी तो आप क्षेत्रफल कर रहे हैं लेकिन अगर आप जब वॉल्यूम करेंगे तो बेसिकली आप एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। वॉल्यूम एक स्ट्रिप 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 जोड़ के एक वॉल्यूम बनता है और फिर वो हाइट में ऊपर होता है या नीचे होता है। तो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं वो आपको लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम या राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको पता चलेगा कि आपका वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, इस प्रूफ से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं।